नमस्कार, मैं हूं विलास आड़े। आप सभी लोगों का दिल से फिर एक बार स्वागत है। इस वक्त मैं नवरगांव नाम के एक आदिवासी गांव में आया हूं। मेरे दाई और बाई और घने पहाड़ है, बीड़ है, बीड़ों में एक खेत है जहां पर नक्सली मूवमेंट के जो मुखिया थे, नक्सली नेता थे, विजय कुमार उप श्यामराव किनाके, उनके जो उनके साथ 24 घंटे साय के साय रहने वाले रमेश जी, इस वक्त रमेश कुमार मेरे साथ हैं। और 1990 से लेकर 1992 तक, यानी मुठभेड़ के आखिरी पल तक विजय कुमार के साथ वो साय से रहे। विजय कुमार की तमाम सारी कार्रवाइयाँ, किस किस प्रकार से उन्होंने लोगों को अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों को दंडित किया, उनको सज़ा दी, और अन्याय और अत्याचार करने वाले के वो पीछे बिल्कुल साय की तरह लगे हुए थे। वो पूरे क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते थे, किसी का शोषण ना हो, किसी पर अन्याय ना हो, किसी पर अत्याचार ना हो। और तब जो भारी विकट परिस्थिति इस पूरे क्षेत्र में थी, किन्नवट और माउर में, एक तो घने बीड़ों की श्रृंखला है, आदिवासी एवं बंजारा बहुल पूरा इलाका है, गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। ऐसे में विजय कुमार ने देखा कि गरीबों का शोषण होता है, तो उन्होंने बंदूक उठा ली और धीरे धीरे उनके विचार के सारे लोग यहाँ पर जमा होने लगे। विजय कुमार को सबसे महत्वपूर्ण साथ देने वाले और उनके साथ रहने वाले रमेश कुमार इस वक्त मेरे साथ है। मैं काफ़ी मेहनत मशक्कत करके इस पहाड़ी तक पहुँचा हूँ, पैदल ही पैदल मेरा सफ़र था। इस पेड़ के नीचे आज हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे राज, बहुत सारी जो हमारी हमारे इस मुठभेड़ के बारे में जो संदेह है, या तमाम जो जितनी भी बातें विजय कुमार के बारे में बताई जाती है, वो सारे खुलासे आज होने वाले हैं। रमेश जी इस वक्त मेरे साथ हैं। रमेश कुमार जी, सर नमस्कार। नमस्कार। 1990 में नक्सली कार्रवाई हमारे किन्नवट माउर क्षेत्र में हुई, तो उस वक्त यहाँ की परिस्थिति क्या थी? गरीब लोगों की बहुत ही कठिन थी, क्योंकि लोगों को न्याय नहीं मिलता था और गोर गरीब लोगों पर बहुत ही अन्याय हो रही थी। और हमारे आदिवासी जो भाई है, उन पर बहुत अन्याय, और जो भी शासन की योजना थी वो भी लोगों तक नहीं पहुंचती थी। और जो शासन का जो उनकी टीम रहती थी वो भी उनके घर तक जाके वो काम नहीं करते थे। तो इससे सारी बातें सोचकर विजय कुमार ने खुद ही बंदूक उठाया कि लोगों को न्याय देने के लिए, और सरकार के विरुद्ध में उन्हें किसी लोगों का दुश्मन के सरकार के खिलाफ, क्योंकि लोगों का हक और अधिकार जो है, तो जिसको उसको मिलना चाहिए और उनको सबको न्याय मिलना चाहिए, इस बारे में उन्हें कदम उठाया। और उनका चढ़वाड़ हमको भी बहुत पसंद आई और हम भी उनका चढ़वाड़ में चले गए। तो आप ऐसे कितने लोग थे? और लोग जैसा 4 लोग 5 लोग ऐसे रहते थे, कभी 10 भी बढ़ते थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं रहते थे, क्योंकि पुलिस का डर रहता था और जंगल में रहना, खाने पीने पे बहुत भूखे रहने का और सोने का ये कुछ भी नहीं रहता था ना, सिर्फ एक बैग साथ में रहना और जंगल में काम करना, तो गांव में जाना, लोगों को एक जगह पे एक पूछना उनको बैठ के कि बाबा तुमको क्या क्या अड़चन है, तुमको क्या सहूलत तकलीफ है, क्या क्या सहूलत मिलती है, और वो सारी बातें पूछने के बाद, और किसकी झगड़ा भांडन है क्या, किसकी टंटा है क्या, ये भी सभी पूछने का, और वो सब मिल के, और उनका जो भांडन टंटे कुछ भी आपसी में गांव में से उनका ये करने का फैसला करने का, और जोरों मर्द के भी कोई तकलीफ थी उस बारे में भी पूछने का, और उनका भी कुछ अड़चन है तो उनको भी एक समस्या का निदान करके उनको एक जगह करने का। मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ आप आदिवासी गांव में जाते थे या फिर? नहीं नहीं, सबके पास, सबके आदिवासी का ऐसे कुछ नहीं, सबको न्याय, सबके से न्याय, आदिवासी हो, बंजारा हो और कौन सा जात हो, सबके लिए उनका न्याय देने का ये हमारे चढ़वाड़। तो 1990 में कौन सी ऐसी पहली कार्रवाई हुई? कार्रवाई बहुत दिन होगा, लेकिन शुरुआत में हमारी कार्रवाई कैसा, गांव में जाना, मीटिंग लेना और गोर गरीब लोगों को इंजेक्शन देना, उनका तकलीफ जो है वो देखना, और बड़े लोगों के पास से जवारी वो मंगना, और तब तो सबसे महंगी चीज जवारी, हाँ जवारी ना, पेट के लिए, तब वही बड़े लोगों के पास से लेना और गरीब को बांटना, वही बांटना, हम साथ में लेके नहीं जाते थे ना, ऐसा हाँ, वही बांट के फिर बाद में लोग कहाँ से देंगे, फिर मांगे शासन के जो गोदाम ही थे, जो वो गोदाम ही फोड़े, शासन के गोदाम लूटना। तो ये जब आप भी ऐसा मतलब जवारी बांटते थे, अनाज लोगों को बांटते, तो जनता का भारी समर्थन आपको मिलता था? हो ना, बहुत ही हमारे को
ये भगवान आया ऐसे हमको समझने का लोग हमके आने के बाद हमारे दर्शन इस लेने को नहीं कि क्योंकि हम किसको भी तरस नहीं दिए ना। लेकिन ये भी बताया जाता है कि 1989 के बाद में जैसी नक्सली कार्रवाई शुरू हो गई तो ये सरकारी में जो फाइलें अटकती थी वो फटाफट काम होने लगी और रिश्वतखोरी टोटली बंद हो गई थी पूरी पूरी। जो पटवारी से लेकर आला अधिकारी है तहसीलदार तक या तहसील का अव्वल कारकुन तक तो ये लोग पैसे के बीच में काम नहीं नहीं बिल्कुल पैसे का रुश्वत तो पूरी बंद हो गए। और जिसका कोई भी काम है तो आप देखो आज एक कास्ट सर्टिफिकेट आप लेना है तो 6-6 महीने लगती। पहले हमारे कार्रवाई में एक कास्ट सर्टिफिकेट 3 दिन में मिलता था। और वो कास्ट सर्टिफिकेट अगर इनो टेम पे नहीं गया तो उनका एक आदमी आके घर पे ले ऐसी स्थिति उस टाइम पे बनी थी। अरे आपका आपकी दहशत थी आपका खौफ था कि विजय कुमार को ये शिकायत चली जाएंगे तो मामला काफी बिगड़ जाएगा ऐसा डर लग रहा था। डर लगता था। तो ये देवराव पाटिल का जो मामला आता है कि देवराव पाटिल की जो हत्या हो गई तो ये विजय कुमार की शुरुआत थी ऐसा बताया जाता है क्या? नहीं नहीं वो मेन इनका हत्या इनका हाथ में नहीं विजय कुमार का हाथ में तो वो जवारी का बारे में हम उनको मांग कर रहे थे तो 5 क्विंटल जवारी देने में उन्हें तैयार होगा लेकिन वो पुलिस को उनका ये हाँ कोई तो पता नहीं थे सोचने थे तो पुलिस वहाँ आए थे ना तो हमको भी लगा कि इन्हें शाम के हमारे लिए पुलिस हाँ बुलाया ऐसे हमारा गहरे सोच होगा ना। तर एक 6 महीने के बाद और हम उनको पकड़े तो जो सही हकीकत है उन्हें हमको बताया। बताने के बाद हम उनको पहली बार बोल के हम छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद हमारे जो लोग थे आपके साथ काम करने वाले, काम करने वाले और उनके कुछ लेना देना का साहूकारी कुछ उनका ये था दुश्मनी हाँ। तर वो जाते वक्त हमारे पास से गए और बाद में हमारा नाम से उन लोगों ने मर्डर कर दिए। हमारा नाम का मर्डर होगा विजय कुमार ने मर्डर करे बोल के देवराव भोसरे का जब से हमारे ऊपर पुलिस बहुत कार्रवाई शुरू कर दी। सर ये भी बताया जाता है कि गणेश उत्सव का पीरियड था और उस वक्त आपने दो युवकों का अगवा किया वज्रा गांव से तो उनके साथ 2 महिलाएं भी थी तो क्या कार्रवाई हुआ आगे उन महिलाओं को क्यों लेके गए और उनके नहीं नहीं कैसा और गुनेगार 4 थी 2 महिला घर की पत्नी रहने के बाद दूसरे आदिवासी के महिलाओं को जबरदस्ती रखे तो इसलिए उन 4 को भी उठा के लाए। उठा के लाने के बाद उनके बयान लिए कि उन्हें बयान में इनके कुछ गलती नहीं वो लड़कियों की इसलिए लड़कियों को छोड़ दिया और जो उन्हें 4 दो आदमी थे उनका मर्डर कर दिया। सर ये महिलाओं के प्रति विजय कुमार का क्या नजरिया था? नहीं बहुत उनके बोले तो सम्मान था और उन्हें जैसा अपना माँ बहन ऐसे उन्हें देखता था। तो 1991 में शायद आपने ना किन्नौर को आदिवासी जिला घोषित करो इसके बारे में काफी हिंसक आंदोलन किया था बसें जलाई थी पोस्टर लगाए थे तो ये विजय कुमार के मन में आया था क्या किन्नौर? हाँ हम जो कार्रवाई करते थे ना तो देखो हमारा कमेटी हम बैठते थे कि हमारे पास 4-10 आदमी भी रहा तो हम दोनों में बाजू पे जाके हम निर्णय करते थे कि हम अब क्या करने का है तो किस बारे में आपको काम करने का है। हमारा काम बोले तो नक्सल बोल के नक्सलवादी नहीं हम पहले भी नक्सलवादी नहीं हमारा कार्रवाई जो था वो भी नक्सलवादी नहीं सिर्फ हम लोगों को न्याय देने के लिए तो किनवट से नांदेड़ जाना बोले तो बहुत दूर है हाँ जिला तो यहाँ का अपने गोर गरीब आदमी वहाँ तक जा नहीं सकते और किनवट हम जिला बनेंगे तो इसलिए हम खुद सोचे विजय कुमार हम सोचने के बाद हम 1991 में और वो वॉल पोस्टर बनाए दीवारों पर चिपकाए थे पोस्टर बनाए और एसटी का बस स्टैंड जो है किनवट में हाँ, वो बाजू पे हम चिपका दी नहीं वहाँ हम ये भूमि पूजन करे किनवट के जिला बोल के क्या बात है हाँ। भूमि पूजन करे वहाँ बड़ा झंडा लगाया हाँ। एक 50 किलो का वो नारियल का एक बोरी भर के ले गए वहाँ सब वो नारियल फोड़े हाँ। और वो बड़ा एक बैनर लिखा किनवट जिला मांडवी और माहौर इसलापुर तालुका ये 4 विषय पर संपूर्ण किनवट बंद रखे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज 25 साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं तमाम सामाजिक संगठन भी आंदोलन कर रहे हैं किन्नौर को जिला घोषित करो लेकिन क्या लगता है कि आज आपकी कार्रवाई होती या फिर विजय कुमार जिंदा होता तो संभव था? नहीं वो तो होने वाला था
तो आज भी होती, नहीं बोल के नहीं, लेकिन कैसा है वो राजकीय पार्टी का इच्छा शक्ति नहीं, हाँ इच्छा शक्ति नहीं। और जो भी अब ये लोग किनवट के बारे में जो काम कर रहे, जिला होना, आदिवासी जिला होना, आदिवासी का हमारा जो निर्णय था आदिवासी जिला बोल के नहीं, क्योंकि हम एक जात के लिए एक धर्म के लिए हम वो काम नहीं करे, हमको जिला सोना और मांडवी माहौर इसलापुर तालुक होना ये हमारा मांग था। हाँ तो उस बारे में पहले हम ये स्टेज जला, ये दो बार हमारे साथ पुलिस का हमारा चकमक होगी। अच्छा हाँ गोली मार होगा ना। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये विजय कुमार का और पुलिस का जो मुठभेड़ हुआ, तो लोगों को काफ़ी संदेह है, इस मुठभेड़ पर है, संभ्रम अवस्था है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि विजय कुमार को तो मारा ही गया नहीं था, विजय कुमार बीमार था, उसको जवान कोटा खिलाया गया था। आज जो पुलिस में भर्ती हुए जवान है, स्थानीय जो जवान पुलिस में भर्ती, उन लोगों ने विजय कुमार को मारा था, या फिर वाकई उस रात आप भी उसके साथ थे विजय कुमार के साथ, तो उस रात हुआ क्या था? नहीं, रात 8 बजे हम झूना पानी का एरिया में हम जा रहे थे, नौथल का पहाड़ है, वो पहाड़ में पुलिस का ना हवर हमारा सामने सामने चकमक होगा, फायर होगा। हाँ। हम उनके कुछ भी खाए नहीं, जो भी लोग बता रहे ना वो सब 100% झूठी बात है। अरे यानी कि मुठभेड़ हुई थी? हाँ बोले तो जब फायर में मर गए ना, फायर में मर गए, फार गए, यानी ये सच्चाई है, क्योंकि आप उनके साथ ही थे। बरोबर, हम दूसरी दूसरी एक बात आपको दिखाना चाहेंगे सर, ये जो फायरिंग हुआ था आपके हाथ के ऊपर, और दिखाना चाहेंगे ये है ना, ये कहाँ हुई थी वारदात और क्या मामला था? देखो आप साफ रूप से देख सकते हैं ये गोलियों के निशान है, ये कहाँ पे हुआ था? ये आमड़ी में होगा। हाँ, हाँ। किनवट आमड़ी। तो क्या मामला था, किस वजह से? किनवट जिला घोषित करो, घोषित करो, और मांडवी माहौर इसलापुर घोषित करो, इस आंदोलन का वो चढ़वड़ में वो हिंसक आंदोलन, हिंसक आंदोलन। और कौन गोलियां लगी आपको? यही गोलियां लगे वहाँ, और दूसरे गांव वाले थे उनको भी गोलियां लगे। अच्छा। हाँ लेकिन हमारे को वो टर्निंग रहता था ना, हम डायरेक्ट हमको थोड़ा पॉइंट मिला तो कितना भी फायर होगा तो भी हम सुरक्षित निकल जाए, बच जाते ऐसा। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और सारे आपके अनुभव आपने कथन किए हैं, और आपकी ये जो ये आंदोलन आपका आज भी चल रहा है, लेकिन अभी लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से सूचना का अधिकार है, तमाम हर दफ्तर में हम अर्जी दे सकते हैं, जो चाहिए वो जानकारी ले सकते हैं, इस आपका आंदोलन चल रहा है, न्याय देने की प्रक्रिया लोकतंत्र के माध्यम से बरकरार। ये थे रमेश कुमार जी, जो विजय कुमार नक्सली नेता विजय कुमार के खास मित्र रहे हैं, और 24 घंटे उनके साथ साय के साथ रहने वाले रमेश जी ने कई ऐसे सुलझे तथ्य बताए हैं, मुठभेड़ का मामला हो, फिर देवराव पाटिल भुसारे का मर्डर का मामला हो, अगवाई का मामला हो, अपहरण का मामला हो, लूट का मामला हो, फिरौती का, तमाम सारे विषय उन्होंने क्लियर कर दिए। मैं सभी दर्शकों का फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद।